टीकाकरण के साथ पहले से कोरोना का शिकार हो चुके लोग कोविड 19 के खिलाफ सबसे अधिक सुरक्षित दिखे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन में मामले बढ़ने के बीच डेल्टा स्ट्रेन अब भी कहर बरसा रहा है। इस बीच एक स्टडी में कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट से आई कोरोना की लहर के दौरान जिन लोगों ने टीका नहीं लिया था लेकिन कोरोना संक्रमित हुए थे वे उन लोगों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी और पहले संक्रमित नहीं हुए थे। कोरोना से उबरने के बाद शरीर में बनने वाली नेचुरल इम्यूनिटी कोरोना वैक्सीन के मुकाबले ज्यादा बेहतर होती है। हालांकि शोध के लेखकों ने चेतावनी दी है कि टीकाकरण करवा चुके लोगों की तुलना में बिना टीका लेने वाले लोग के अस्पताल में भर्ती होने, दीर्घकालीन प्रभाव और मौत होने का अधिक जोखिम होता है। यूएसए सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बयान में कहा, वायरस लगातार स्वरूप बदल रहे हैं जिनमें कोविड 19 का कारण बनने वाला वायरस भी शामिल है। उसने कहा, वैक्सीनेशन से मिली सुरक्षा और संक्रमण के बाद मिली सुरक्षा के स्तर पर स्टडी की अवधि के दौरान बदलाव देखा गया है। हालांकि कोविड 19 से बचाव के लिए टीकाकरण अब भी सबसे सुरक्षित रणनीति है। तो सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।